यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के प्रथम पाली में का एग्ज़ाम है और हिंदी का पेपर है, किस तरह की तैयारियाँ की गई है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और छात्रों को किस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं? सर्वप्रथम तो नकल विहीन परीक्षा कराने का संकल्प है हम लोग का, और तैयारी की दृष्टि से प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो दो CCTV कैमरे लगाए गए हैं विद साउंड रिकॉर्डर, और जिनकी कनेक्टिविटी सीधे कंट्रोल रूम को है। दूसरी तरफ बच्चों में भय का वातावरण ना हो, आराम से वो परीक्षा दे पाए, इसलिए उनको मोटिवेशनल चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आराम से भयभीत ना हो करके अपनी जो तैयारी है उस तैयारी की दृष्टि पर वो परीक्षा संपन्न करें। इसके अलावा जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षाओं के लिए किया गया डिजिटलाइजेशन किया गया है और जो कक्ष समीक्षक उनको डिजिटल आईडी कार्ड्स प्रोवाइड की गई हैं, इसकी व्यवस्था कैसी की गई है और इनमें किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है? इससे यह है कि जो कक्ष निरीक्षक हैं, बच्चों को भी ये भरोसा होता है कि जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं वो भी प्राधिकृत लोग हैं, और जिस तरह का निर्देश मिला है प्रशासन से किस तरह से हमको परीक्षा संपन्न कराना है उसको ध्यान में रख करके हम लोग इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। विक्रम बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सिविल लाइंस, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।